बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वज़ीफ़ा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ, जब पाकिस्तान में था और छोटे थे तो हमने जो भी कुछ खाते थे वो फौरन प्लेट सिंक में रख दी, स्लैब पे रख दी, जहाँ पे बैठ के खा रहे हैं वहीं पे छोड़ देते थे। और अम्मा हमारी बड़ी गुस्से होती थी। और वो एक आधा मुझे डायलॉग भी अम्मा का नहीं है, किसी और का याद आ रहा है, मैंने टीवी में देखेगा, बर्तन धोएगा कौन तेरा बाप है। तो फिर अब वो खैर अम्मा ने तो नहीं बोला हमारी ये, लेकिन शादी जब से हुई है ना शायद तो लग पता गया कि बर्तन धोना भाई बड़ी मुश्किल है भाई, हाथ जो है ना ड्राई होके सख्त हो जाते हैं। तो अपनी सहूलत के लिए, अपनी आसानी देखते के लिए मैं जा रहा हूँ डिश वॉशर लेने। ऑनलाइन देखी है, स्पेसिफिकेशन में तो दोनों सेम है और अच्छे लग रहे हैं। अब वहाँ जाके देखेंगे कि उसकी बॉडी और उसका स्ट्रक्चर और उसकी जो है ना ग्रेस किस में ज़्यादा है। वारंटी वगैरह भी दोनों की तकरीबन सेम ही आ रही हैं। तो गुड गाइस जा रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ी सी अच्छी ऑफर भी लगी हुई है, वहाँ जाके देखते हैं और फिर इंशाल्लाह उसको बाय करूँगा। और अभी आज जो है ना तकरीबन दोपहर में आएगा क्या कहते हैं कारपेंटर आएगा, उसने कैबिनेट को काटना है, काट के जो है ना हमने उसको डिश वॉशर के लिए फिक्स करना है। वही मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने किस जगह फिक्स करवाना है। देन नेक्स्ट जॉब इज़ अ प्लम्बर जॉब, फिर प्लम्बर भी आएगा इंशाल्लाह आज, अदरवाइज नहीं तो वो कल आएगा और आके वो फिर प्लम्बरिंग की फिटिंग करेगा एंड देन रेडी टू गो हो जाएगा हमारा। तो उधर जाके देख दिखाऊँगा मैं आपको जो भी फाइनल किया है, देन स्टेप बाई स्टेप एवरी स्टेप मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या 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 हो रहा है और फाइनल में बर्तन कितने आराम से धुल जाते हैं। तो फिर चलते हैं। और ये इसका लेटेस्ट मॉडल है, ब्लैक भी खूबसूरत है बट दिस वन इज मेड इन जर्मनी। तो ये वाला फाइनल कर रहे हैं। ये जो है ये सीरीज 4 है, तकरीबन सेम ही है, बस थोड़ा सा ये बॉडी वगैरह में इससे बेटर में डिफरेंस है। मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि इसकी डबल रैक है, हमारी यहाँ पे चमचों वाला रैक नहीं है। तो सीरीज 6 जो है वो लेटेस्ट है। तो फाइनली जो है ना ये बॉश का सिलेक्ट कर लिया है और बॉश का जो वो मेड इन जर्मनी है और उसकी क्वालिटी जो रिव्यूज देखे हैं जो उसने हमें बताया है सेलमैन ने यहाँ पे, तो वो यही कहा है कि बॉश का ज़्यादा अच्छा है और इसलिए फिर बॉश का लेटेस्ट मॉडल है ये सिलेक्ट किया है। दो बाइक किए हैं मैंने भी और भाई ने भी, इसलिए हमें प्राइस भी बहुत अच्छी मिल गई है। ये हमें मिल गई है तकरीबन $1,250 ईच हमें मिला है, नॉर्मली ये तकरीबन 1500 प्लस है। अभी कारपेंटर कॉल आई है, फ़ौरन बस घर जा रहे हैं, उसको जितनी देर में वो काम करेगा मैं दोबारा आऊँगा और आके जो है ना फिर गाड़ी में ही पिक करके लेके जाऊँगा। स्टे विद मी, आई विल शो यू एवरी सिंगल स्टेप। प्लम्बर ने फिटिंग की है, यहाँ से जो पाइप है हमारा ये ड्रेनेज का है और जो पीछे आपको नज़र आ रहा है पाइप वो फ्रेश वाटर लेगा, कोल्ड वाटर। और ये साइड पर बिहाइंड दिस वॉल हमारा डिश वॉशर है।
फाइनली ये हमारा सेट हो गया। मैं इसके थोड़े से फंक्शन आपको बता दूँ। ये हमारा स्टार्ट का बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑन ऑफ है हमारा। उसके बाद ये मैं ऑन करता हूँ। अब मैं थोड़े से इसका आपको बता दूँ कि ये हमारे पास एक्स्ट्रा ड्राई है, ठीक है। क्विक में हमारे पास 29 मिनट है, फिर 60 मिनट है, एको वॉश भी है। अगर हमने टाइम वगैरह इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा करना है, हम मैनुअली यहाँ से कर सकते हैं। ये मशीन कह रहा है ये सिर्फ उसके लिए अगर हमने उसको क्लीन अप करना है तो। देन हमारे पास यहाँ पे हाफ लोड भी है और स्पीडी परफेक्ट भी है। ऑटो इंटेंसिव, ऑटो वॉश, सुपर वॉश, ये काफ़ी फंक्शन है। और यहाँ पे हमारे पास चेक वाटर का सिग्नल देता है हमारे पास, और ये रेन इज एड जो है ना, जो इसमें डलेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो लिक्विड है और किस तरह से होता है, किस तरह से वर्क करता है, कैसे क्लीन करता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चले हम जरा इसमें अपने बर्तन लोड करते हैं। ये हमारा चम्मच वगैरह के लिए आ गया स्पून एक, ये देन हमारे पास ये बड़े बर्तन वगैरह के लिए आ गया। अब यहाँ पे हमारा रेजन आएगा, इसको हम बस एक बार फिलअप कर देंगे तो दोबारा जब हमारे पास लाइट इंडिकेट करेगा तो इसके बाद फिर हमने इसको दोबारा रिफिल करना है। ये हमारा जस्ट हमने इसको इसमें डालना है, यूँ ये बंद कर दिया एंड देन ऑन। इसको मैं एक्स्ट्रा ड्राई एंड क्विक पे रख के 44 मिनट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये डिश वॉशर है सो फार। मेरे ख्याल से तकरीबन 16 मिनट चला है और अभी स्टिल चल रहा है। ज़रा सी भी आवाज़ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी आवाज़ आती है जब वो लीटर में वाटर लेता है या ड्रेन करता है। इसके अलावा सुपर साइलेंट जिसको कहते हैं ना, मैं समझ रहा था कि बहुत ही ज़्यादा शोर करेगा, लेकिन ज़रा सा भी इसने शोर नहीं किया। इंशाल्लाह कमिंग डेज में आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ के बाद मैं इसका फुल रिव्यू आपको दूंगा कि इसका कितना वाटर लेता है, कितनी एनर्जी लेता है, और ये बेटर है या कोई और ब्रांड बेटर रहेगा, ताकि आपको इफ़ यू वांट टू बाय वन ऑफ दो डिश वॉशर तो आपको एक आइडिया हो कि इसका जो रिव्यू है कैसा रिव्यू है। ये 27 मिनट के बाद दोबारा से मिलते हैं, जब इसके अंदर बर्तन निकलेंगे कि वो कैसे डिलीवर निकलते हैं, देन यू विल हैव एन आइडिया। चले जी ओपन करते हैं, बंद हो गया हमारा ये। क्या जबरदस्त फुल गर्म हुए हुए हैं ये, और इसी तरह से ये हमारा आउटस्टैंडिंग। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, खुश रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।